हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। देखिए, ठीक है, सरल रेखाओं में गति। नया टॉपिक है क्योंकि कई बच्चों ने क्लास को अलग अलग समय पर ज्वाइन किया है, ठीक है ना। तो सबके लिए एक नया टॉपिक, अपन कॉमन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप सबको समझ में आ जाए, ठीक है ना। देखिए भाई, देखो, एक फिजिक्स जो है उसको कई भागों में डिवाइड किया गया है। मूलतः इसके दो भाग हैं, एक चिरसंबद्ध भौतिकी और दूसरा है आधुनिक भौतिकी, ठीक है। और चिरसंबद्ध भौतिकी को भी कई भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक पार्ट आता है मैकेनिक्स, यांत्रिकी। तो हम बात करेंगे यांत्रिकी के बारे में। यांत्रिकी होती क्या है? अपना जो ये जो मोशन है ऑब्जेक्टों का, जो जिस ब्रांच के अंदर इंक्लूड किया गया है, उसे बोलते हैं अपन मैकेनिक्स, यांत्रिकी। तो यांत्रिकी शब्द का अर्थ क्या है कि एक भौतिक विज्ञान की शाखा है। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं स्थिर और गतिशील वस्तुओं के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई कार है, सड़क पर चल रही है, अब हमें इसकी गति का अध्ययन करना है तो किसके अंदर पढ़ाया जाएगा? यांत्रिकी के अंदर। मतलब यांत्रिकी के अंदर एक तो हम बात करते हैं स्थिर वस्तुओं की, इसका अध्ययन किया जाएगा स्थिर वस्तुओं का। और स्थिर वस्तुओं के साथ साथ हम अध्ययन करेंगे गतिशील वस्तुओं का, गतिशील वस्तुओं का। और जो गतिशील वस्तुओं की जो स्पीड है ना, वो प्रकाश के चाल की तुलना में कम होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए अगर किसी वस्तु की स्पीड लाइट की स्पीड के इक्वल हो, जैसे इसके लमसम वो मान लीजिए 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, तो ये मैकेनिक्स के अंदर नहीं आती है। अपनी जो कार वगैरह होती हैं, बस है, ट्रक है, एरोप्लेन, इनकी जो स्पीडें होती हैं 100 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर, तो इन सबको इंक्लूड किया गया है किसके अंदर? यांत्रिकी के अंदर। गतिशील वस्तुओं की जो चाल है ना, याद रखना, प्रकाश की तुलना में कम होनी चाहिए, काफी कम। इन सब चीजों का अध्ययन, इन सब वस्तुओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? मैकेनिक्स में किया जाता है, यांत्रिकी में किया जाता है। तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन बन जाती है, अपन सबसे पहले डिफाइन करेंगे किसको? यांत्रिकी को, कि मैकेनिक्स क्या है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं स्थिर वस्तुओं की। अब देखो, स्थिर वस्तु दो तरीके से हो सकती है, सुनना ध्यान से। एक तो उसकी चाल जीरो हो, मतलब कार है सिर्फ खड़ी हुई है स्थिर अवस्था में, या एक नाम और आ सकता है विराम अवस्था। एक ही चीज है, स्थिर अवस्था, विराम अवस्था। एक नाम आता है साम्यावस्था, सुनना ध्यान से। सड़क है और इस पर एक कार खड़ी हुई है, आपने कोई फोर्स वोर्स नहीं लगाया, तो इसकी स्पीड कितनी रहेगी? जीरो। इनिशियल स्पीड यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी कंडीशन सुनना, एक ऑब्जेक्ट है, आपने इस पर इधर लगाया 5 न्यूटन बल, और इसकी विपरीत दिशा में भी लगाया आपने 5 न्यूटन बल। यह सुनना, यहां तो गाड़ी खड़ी हुई थी और यहां पर दो बल लगे हुए विपरीत दिशाओं में, पर जो परिणामी बल आने वाला है, परिणामी बल जो आने वाला है वो कितना आएगा? जीरो। ऐसी वस्तुओं को नाम दिया गया है साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो चाहे वस्तु पहले से स्थिर हो या साम्य में हो, या फिर गति कर रही हो प्रकाश की तुलना में कम वेग से, इन सभी बातों का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे नाम दिया गया है मैकेनिक्स, यांत्रिकी। क्लियर है डेफिनेशन? तो सबसे पहले यांत्रिकी की डेफिनेशन याद कर लीजिए।
भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें स्थिर वस्तुओं और प्रकाश की तुलना में कम वेग से गतिशील वस्तुओं, पूरा सेंटेंस बोलना, जिसमें स्थिर वस्तुओं और प्रकाश की तुलना में कम वेग से गतिशील वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है उसे नाम दिया गया है यांत्रिकी। अब मूल रूप से यांत्रिकी को है ना अपन ने दो भागों में डिवाइड किया है, वैसे तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं खैर ना, पर अपन ने दो भागों में डिवाइड किया है यांत्रिकी को। पहला तो है स्थैतिकी, स्टैटिक, और दूसरा है गतिकी। सुना ध्यान से, भौतिक विज्ञान को दो भागों में डिवाइड किया गया है, स्थैतिकी और गतिकी। अब वैसे गतिकी दो प्रकार की होती है, काइनेमेटिक और डायनामिक। वो अंतर क्या है वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आप तो मूल रूप से दो ही प्रकार के बोल दोगे इसको कि यांत्रिकी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला कौन सा है स्थैतिक और दूसरा कौन सा है गतिकी। अब नाम से क्लियर है, स्थैतिकी वो शाखा है जिसमें स्थिर वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी की शाखा है ना ये, तो यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर या फिर साम्यावस्था, बात तो खैर एक ही आती है, की वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब एक गाड़ी है, एक कार है जो सड़क पर खड़ी हुई है चुपचाप, उसकी उसका अगर आपको अध्ययन करना है एक तरीके से, या मान लीजिए उस पर आपने दो तीन फोर्स लगा रखे हैं फिर भी वो रेस्ट पोजिशन में ही है, उन सब का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं या यांत्रिकी की जिस शाखा में करते हैं उसका नाम है स्टैटिक, स्थैतिकी। और गति की क्या होता है सुनना ध्यान से, जिसमें हम गतिशील वस्तुओं का अध्ययन करें, प्रकाश के वेग से कम गतिशील वस्तुओं का अध्ययन करें। अब सुनना, इसको दो भागों में बांटा गया, एक तो गति की होती है काइनेमेटिक्स और एक होता है डायनामिक। काइनेमेटिक्स में गति का कारण शामिल नहीं किया जाता और डायनामिक में गति का कारण भी शामिल किया जाता है। तो आप उस इस तरह से पढ़िए, आप तो ऐसे पढ़िए कि सबसे पहले आपको नाम याद होना चाहिए यांत्रिकी, मैकेनिक्स क्या है। तो बड़ा सरल तरीका है डेफिनेशन याद करने का कि यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, अच्छा बहुत पुरानी शाखा भी है, ओल्डेस्ट ब्रांच है ध्यान रखना, है ना। तो भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम बात करते हैं स्थिर और प्रकाश की तुलना में कम वेग से गतिशील वस्तुओं के बारे में। यांत्रिकी को हमने कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा, कौन कौन से, स्थैतिकी और गतिकी। स्थैतिकी में स्थिर या साम्यावस्था में, दो अलग अलग नाम बताए मैंने आपको, एक नाम तो होता है स्थिर और एक नाम होता है साम्यावस्था। स्थिर का मतलब गाड़ी खड़ी हुई है, चलना स्टार्ट ही नहीं किया, और साम्यावस्था का मतलब कई प्रकार के फोर्स लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, तो फिर भी वस्तु गति नहीं कर रही है, बल लगने के बाद भी वस्तु गति नहीं कर रही है। तो ऐसी ब्रांच जिसमें स्थिर वस्तुओं और साम्यावस्था की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, क्या नाम दिया गया है, स्थैतिकी। और गति की किसे नाम दिया है, जिसमें हम गतिशील वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। तो तीन डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होंगी, यांत्रिकी, स्थैतिकी और गतिकी, तीनों को नोट करिए, फिर बात करते हैं एक्चुअल में गति का मतलब क्या है। क्लियर ना, तो आप कॉपी निकाले अपनी ना, अच्छा नोट सुनाना आप स्टार्ट करते रेगुलर, ठीक है ना, यहाँ इस चैप्टर से। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए भाई, मेरे साथ साथ नोट करेंगे सभी बच्चे, यांत्रिकी, मैकेनिक्स, यांत्रिकी, ठीक है, डेफिनेशन लिखिए। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर
ब्रैकेट में साम्यावस्था, मतलब दिख रहा है कि पूरा देखने के बाद दिख जाएगा ना, बिल्कुल दिख रहा है आराम से देखिए। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर, अब स्थिर में साम्यावस्था भी हो सकती है ना, दो प्रकार से ऑब्जेक्ट स्थिर हो सकता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर तथा गतिशील, और गतिशील में भी जो चाल है ना वो प्रकाश की तुलना में बहुत कम होनी चाहिए, तथा प्रकाश की तुलना में कम वेग से गतिशील वस्तुओं का अध्ययन किया जाए। अब इसका रीजन क्या है भाई, आप प्रकाश की तुलना में कम वेग से वस्तुओं का अध्ययन क्यों कर रहे हो? अगर मान लीजिए किसी वस्तु की रफ्तार 3×10^8 हो जाए, मतलब प्रकाश की चाल के लगभग बराबर हो जाए, तो क्या आप उसका अध्ययन मैकेनिक्स में नहीं कर सकते? नहीं कर सकते साहब। क्यों नहीं कर सकते? अपन एक थ्योरी पढ़ेंगे आगे चल करके, तो आप उसमें देखोगे कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट की चाल बढ़ाते हो ना, मास बढ़ जाता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से गति करना स्टार्ट कर दे तो उसका जो द्रव्यमान है ना वो अनंत हो जाता है। और अब इसमें यांत्रिकी में आपको बार बार ना द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगी। तो अपन जब नॉर्मल वे में गति करते हैं ना, सामान्य गति जो होती है वो सी के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, द्रव्यमान थोड़ा सा बढ़ता है पर वो इग्नोर कर दिया जाता है। पढ़ेंगे अपन आगे चल के चैप्टर में, फिलहाल डेफिनेशन आप नोट कर देना। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर ब्रैकेट में साम्यावस्था तथा प्रकाश की तुलना में कम वेग से गतिशील वस्तुओं का अध्ययन किया जाए, कॉमा लगाना, यांत्रिकी कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आप बात कर रहे हो स्थिर वस्तुओं की और प्रकाश की तुलना में कम वेग से गतिशील वस्तुओं का अध्ययन किया जाए, यांत्रिकी कहलाती है। मैकेनिक्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से? स्थैतिकी और गतिकी। यांत्रिकी को निम्न दो भागों में विभाजित किया गया है, आपने दो भागों में डिवाइड कर रखा है इसको। सबसे पहला जो पार्ट है वो है स्थैतिकी, स्टैटिक बोलते हैं, और सेकंड पार्ट है गति की। बताना गति की भी दो प्रकार की, काइनेमेटिक्स और डायनामिक। एक में गति का कारण पता होता है, दूसरे में गति का कारण नहीं पता होता है। पहले आप नाम लिखिए। यांत्रिक की डेफिनेशन हुई भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर और प्रकाश की तुलना में कम वेग से गतिशील वस्तुओं का अध्ययन किया गया, यांत्रिकी कहलाती है। दो भागों में डिवाइड कर रखा है, स्थैतिकी और गतिकी, ठीक है ना? ठीक है भाई, तो दो भागों में डिवाइड कर दिया आपने इसको, स्टैटिक और काइनेमेटिक्स या डायनामिक बोल सकते हैं। गतिकी भी दो प्रकार की है, होने को तो फिर पढ़ेंगे आगे चल के इसको। अब आप एक नंबर हेड डाल दीजिए, ठीक है, इसको साफ कर दिया जाए, साथ साथ नोट करने का प्रयास किया करो, है ना? चैप्टर का स्टार्टिंग है और बहुत बढ़िया आपको समझ में आएगा, काफी इजी चैप्टर है। तो सबसे पहले अपन जिस ब्रांच की बात करने वाले हैं उसका नाम है स्थैतिकी।
तो अगली हेडिंग डाल दे आप यांत्रिकी के बाद में एक नंबर डालकर स्थैतिकी, स्टैटिक बोलते हैं, स्थैतिकी। तो नाम में क्लियर है ना, स्टैटिक स्थिर वस्तुओं का अध्ययन। मैंने कहा आपको यांत्रिकी में आपको दो तरह की वस्तुएं पढ़नी पड़ेंगी, स्थिर और गतिशील। तो स्थिर की अब अलग शाखा बना दी, यांत्रिकी की दो हिस्से कर दिए। देखो फिजिक्स के दो हिस्से, चिरसंबद्ध और आधुनिक। चिरसंबद्ध के कई हिस्सों में से एक हिस्सा है यांत्रिकी, और यांत्रिकी के भी आगे आपने दो हिस्से कर दिए, स्थैतिकी और गतिकी। तो स्थैतिकी में अपन लिखेंगे, अब ये यांत्रिकी की शाखा हो गई भाई, तो यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें, यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हो साम्यावस्था वस्तुओं का अध्ययन किया जाए। स्थिर वस्तुओं का अध्ययन किया जाए, यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें इसका अध्ययन करें अपन, स्थिर वस्तुओं का अध्ययन किया जाए, कॉमा लगाइए, स्थैतिकी कहलाती है। क्लियर? यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें हम बात करें स्थिर वस्तुओं के बारे में, ठीक है ना, या साम्यावस्था की वस्तुओं के बारे में, उसे नाम दिया जाएगा स्थैतिकी। और जो सेकंड टाइप है इसका, गतिकी, नाम से ही क्लियर है, गतिकी मतलब गतिशील वस्तुओं का अध्ययन है, तो ब्रांच मैकेनिक्स की ही ना। तो यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें, आप देखो गतिशील में एक बात आप लिख ही दिया करो, सिर्फ गतिशील बोल दोगे तब भी काम चल जाएगा, पर जो चाल है ना वो प्रकाश के रेस्पेक्ट में बहुत कम होनी चाहिए, कम नहीं बहुत कम होनी चाहिए। यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश की तुलना में कम वेग से गतिशील वस्तुओं का अध्ययन किया जाए, अध्ययन किया यांत्रिकी की वैसा का जिसमें प्रकाश की तुलना में कम वेग से गतिशील वस्तुओं का अध्ययन किया जाए, गतिकी कहलाती है। दोनों डेफिनेशन आप नोट कर, तीन डेफिनेशन हो गए भाई अपने पास में ना इस चैप्टर के शुभारंभ में, यांत्रिकी, स्थैतिकी और गतिकी। आराम से एक बार तीनों डेफिनेशन आप नोट कर ले भाई जल्दी से। चलिए अब सुनो, मैकेनिक्स पढ़ करके आपको, मैकेनिक्स की डेफिनेशन देख करके आपको यह बात तो समझ में आ गई है कि हमें बात करना है गतिशील और स्थिर वस्तुओं के बारे में। अब सवाल यह बनता है कि एक्चुअल में मतलब क्या है, कि कोई वस्तु रेस्ट में है या मोशन में है, स्थिर है या वो गति कर रही है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं, ध्यान से देखना, सुनना अच्छे से। मैं देखिए एक बहुत सरल एग्जाम्पल है, ये मान लीजिए
ट्रेन की पटरियां हैं, ठीक है, और इनके ऊपर एक ट्रेन चल रही है, ये आप ट्रेन मान रहे हैं। ट्रेन में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक ए और एक बी, ठीक है ना, और एक व्यक्ति बाहर सड़क पर खड़ा हुआ है, भैया आप सी मान लीजिए। ऐसा एग्जांपल आप दिमाग को माने, आप ट्रेन में बैठने जा रहे हो, आप बैठे हो सामने वाली सीट पर, एक सवारी और बैठी है और एक व्यक्ति सड़क पर बाहर खड़ा है, आपकी ट्रेन चल रही है, ट्रेन की रफ्तार मान लेते हैं अपन 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ध्यान से, गति का अध्ययन करते हैं, आप बैठे हो और आपके सामने ये वाला व्यक्ति बैठा है ए, तो ए के लिए जो वी है ना वो गतिशील अवस्था में है कि स्थिर अवस्था में। आप इस चीज को छोड़िए, आप ये सोचो, आप जिस कमरे में बैठकर ये वीडियो देख रहे हो बच्चों, आप कमरे में बैठे हो और बगल में आपके में टेबल रखी हुई है ना, तो आपके रेस्पेक्ट में टेबल या टेबल के रेस्पेक्ट में आप स्थिर अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में हो। देखो आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा भी करती है, पर हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा। हमारे सामने जो व्यक्ति है वो वहां का वही है, वो रेस्ट पोजिशन है। देख सुन ध्यान से, स्थिर और गति का मतलब क्या है, एक बात करें हम स्थिर अवस्था की और दूसरी बात करें हम गतिशील अवस्था की। जिस वस्तु को आप देख रहे हो, यहां सुनियो, जिस वस्तु का आप अध्ययन कर रहे हो, जिस वस्तु की आप गति देखना चाहते हो, अगर उसकी स्थिति समय के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, आप कमरे में बैठे हो, आप अपने टेबल को ध्यान से देखो, कुछ समय बाद आप और टेबल स्थिति वही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि वो स्थिर अवस्था में है। इस ट्रेन का एग्जांपल दे रहा था मैं, आप यहां बैठे हो, ए आपका नाम मान लीजिए, बी सामने वाली सवारी का नाम मान लीजिए, तो ए के रेस्पेक्ट में क्या बी की पोजिशन चेंज हो रही है क्या? अरे आप यहां बैठे हो और सामने वाली सीट पर कोई बैठा है, आप यहां से स्टार्ट हुए और 100 किलोमीटर चल रही, पर लोकेशन में कोई अंतर नहीं आया, स्थिति में कोई अंतर नहीं आया, तो आपके रेस्पेक्ट में वो सामने वाली सवारी या सामने वाली सवारी के रेस्पेक्ट में आप स्थिर अवस्था में। पर अगर कोई व्यक्ति बाहर से आपको देख रहा है, तो कुछ देर पहले तो आप यहां होंगे और थोड़ी देर बाद ट्रेन कहीं आगे पहुंच जाएगी, अभी पोजिशन ये हो जाएगी, तो समय के रेस्पेक्ट में स्थिति चेंज हुई ना, तो इस बाहर वाले व्यक्ति सी के रेस्पेक्ट में ये ट्रेन या ए या बी गतिशील है, या ए और बी के रेस्पेक्ट में सी गतिशील है। मेरी बात समझ, स्थिर और गति का अर्थ क्या है? स्थिर और गति काफी अच्छा पॉइंट है, आप थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, स्थिर और गति का अर्थ क्या है? देखो ट्रेन में अभी आप तीन आदमियों पर चर्चा कर रहे हो ना, तो ए के रेस्पेक्ट में बी स्थिर है, बी के रेस्पेक्ट में ए स्थिर है, क्योंकि ए और बी के बीच की जो स्थिति है वो समय के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। पर हम बात करें सी की, तो सी के रेस्पेक्ट में ए या सी के रेस्पेक्ट में बी या सी के रेस्पेक्ट में ट्रेन या ए के रेस्पेक्ट में सी, आपस में इन चीजों को देखें तो फिर गति हो रही है। तो स्थिर और गति की अवधारणा है क्या? बड़ी सरल सी परिभाषा है, स्थिति और गति डिपेंड करती है निर्देश तंत्र। एक नाम आता है बेटा, सुना ध्यान से, एक नाम आता है निर्देश तंत्र। क्या नाम आता है? निर्देश तंत्र। अब सर इसका मतलब क्या है? आपने अक्ष पढ़े हैं ना, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड यहां होता है, इसे रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से करते हैं, तो जो बिंदु के निर्देशांक लिए जाते हैं ना वो मूल बिंदु के सापेक्ष लिए जाते हैं। मैंने कहा किसी बिंदु के निर्देशांक 2, 3, 4 है, मतलब उसका x निर्देशांक 2, y 3 और z 4, तो ये आपने निर्देशांक कहां से देखे? मूल बिंदु के सापेक्ष, तो ये निर्देश तंत्र बन गया। ये
अभी आप देखो इस ट्रेंड में बात कर रहे थे, आप ए के सापेक्ष बी देख रहे हो, ए की जगह बैठकर बी को देख रहे हो, तो ये आपने लिए क्या बन जाएगा, निर्देश तंत्र। आप सी के रेस्पेक्ट में ए को देख रहे हो तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र यू समझो, जिस पॉइंट से जिस बिंदु से गति का अध्ययन किया जाए। आप कमरे में बैठे हुए हो और टेबल को देख रहे हो तो फिर वो आपका निर्देश तंत्र हो गया। वास्तव में तो कोई वस्तु ग्राउंड में है ही नहीं, एब्सोल्यूट रेस्ट पूर्णतः ब्रह्म अवस्था में तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं है भाई। अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं आप विचार करो, अर्थ मूव कर रही है। आप किसी दूसरे प्लेनेट से देखते हो, दूसरे ग्रह से देखते हो तो आपको अर्थ मूव करती हुई नजर आएगी, तो वो सारे ऑब्जेक्ट फिर मूव कर रहे हैं सब गतिशील अवस्था में। मतलब गति है या ऑब्जेक्ट स्थिर है ये डिपेंड करेगा निर्देश तंत्र पर। अगर निर्देश तंत्र में जैसे ये निर्देश तंत्र है और ये किसी बिंदु के निर्देशांक के टी बराबर जीरो पर, अगर टी समय के बाद भी निर्देशांक यही रहते हैं इस निर्देश तंत्र में, निर्देशांकों में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो फिर ये ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पोजिशन में माना जाएगा। क्लियर है ना? और अगर समय के हिसाब से निर्देश तंत्र में स्थिति चेंज हो जाए, अभी तो 2.3.4 पर था, आगे बढ़कर के 5.2.6 पर आ गया एक तरीके से, अब इसकी पोजीशन क्या हो गई चेंज, मतलब क्या कर रहा है ये गति कर रहा है। अरे मैं समझ में, दो तीन डेफिनेशन सी है वो समझ। अच्छा, निर्देश तंत्र भी कई प्रकार के पढ़ोगे आप, दो प्रकार के पढ़ोगे, जड़त्व भी है और अजड़त्व भी है। न्यूटन की गति के नियम पढ़ लोगे तब आपको निर्देश तंत्रों के प्रकार पढ़ाए जाएंगे। तो सबसे पहले आप एक हेडिंग लिखे हैं, निर्देश तंत्र। सुना, सबसे पहले जो हेडिंग पढ़ी अपन ने यांत्रिकी पढ़ी, यहां लगता हूं सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ी, यांत्रिकी, भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें स्थिर और प्रकाश की तुलना में कम वेग से गतिशील वस्तुओं का अध्ययन किया जाए। यांत्रिकी आपने दो प्रकार की पढ़ी साहब, स्थैतिकी और गतिकी, जिसमें स्थिर वस्तुओं का अध्ययन किया जाए वो स्टैटिक, और जिसमें गतिशील वस्तुओं का अध्ययन किया जाए वो थी गतिकी। अब एक नाम आता है, सुनना ध्यान से, नेक्स्ट, निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। निर्देश तंत्र क्या होता है आप ध्यान से सुनना, निर्देश तंत्र वो लोकेशन है, वो पॉइंट है, वो बिंदु है जहां से आप गति का अवलोकन कर रहे हो, आप किसी चीज की गति को महसूस कर रहे हो, गति को देखना चाहते हो, आप ट्रेन की गति देखना चाहते हो ट्रेन में बैठकर, तो वो आपका निर्देश तंत्र है। आप ट्रेन की गति देखना चाहते हो बाहर बैठकर तो फिर वो आपका निर्देश तंत्र है ना। तो निर्देश तंत्र अलग अलग हो सकते हैं, ध्यान रखना। निर्देश तंत्र में आप डेफिनेशन लिखेंगे, वो है स्थिति जहां से, वह बिंदु भी लिख सकता हूं, गति का अध्ययन किया जाए या जिसके सापेक्ष, ऐसे लिखो, ऐसे लिखे डेफिनेशन, वह बिंदु लिख दो, वह बिंदु जिसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष गति का अध्ययन किया जाए, अध्ययन किया जाए, कॉमा लगाइए, निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र कहलाता है। अब आप ओसा बिंदु कैसे, मान लो मैं तो पृथ्वी के सापेक्ष, मतलब सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी गति का अध्ययन कर रहा हूं, तो क्या सूर्य बिंदु है, करते हैं इस पॉइंट को क्लियर। पहले आप निर्देश तंत्र देख लीजिए, निर्देश तंत्र की डेफिनेशन समझ में आ गई ना, वह है बिंदु जिसके सापेक्ष किसका अध्ययन करें अपन, गति का।
एक पॉइंट के सापेक्ष, जैसे ट्रेन चल रही है तो ट्रेन के अंदर बैठे हुए व्यक्ति के सापेक्ष ट्रेन स्थिर है, और सड़क या पटरी की बगल में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है उसके लिए ट्रेन क्या कर रही है, गति कर रही है। अलग अलग निर्देश तंत्रों में एक ही वस्तु की गति हो सकता है स्थिर हो। हम अर्थ पर बैठे हुए हैं और देख लो आप अपने आप को महसूस करो, आप अर्थ के ऊपर हो ना, तो अर्थ आपके लिए स्थिर है, पर अगर आप किसी दूसरे ग्रह से अर्थ को देखते हो तो फिर अर्थ आपके लिए गति कर रही है। निर्देश तंत्र बदलने से गति चेंज हो जाती है, ध्यान रखना, और हो भी सकती है और ना भी हो, दोनों ही बात है, ठीक है भैया। तो निर्देश तंत्र वह बिंदु है जिसके सापेक्ष आप किसका अध्ययन कर रहे हो, गति का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं अपन क्या, निर्देश तंत्र। क्लियर। निर्देश तंत्र के बाद ही एक नाम और आता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, देखेंगे बिंदु वस्तु, बिंदु वस्तु, इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या समस्या है, अगर जैसे मान लो एक ट्रेन है, देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट नाम आप दिमाग में ये बात आती है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसा होगा, पर सर जी ट्रेन तो इतनी खूब सारी लंबी होती है, अब क्या ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हो क्या, या अर्थ पृथ्वी हमारी बहुत बड़ी है, पता है ना आपको 6400 किलोमीटर त्रिज्या का गोला है ऑलमोस्ट, तो क्या इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, डिपेंड करता है कंडीशन पर, सुनना ध्यान से। अगर ट्रेन 100 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, बहुत ज्यादा यात्रा तय करती है 100 किलोमीटर की, तो 100 किलोमीटर डिस्टेंस के आगे खुद की ट्रेन की डिस्टेंस ना के बराबर है, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर जाएगा। मेरी बात सुन ध्यान से, ट्रेन की खुद की लंबाई है, आप तो 100 मीटर मान लो, ट्रेन की खुद की लंबाई कितनी है 100 मीटर, और ट्रेन ने गति करी मान लो 50 मीटर, अब इस 50 मीटर के रेस्पेक्ट में तो आप 100 मीटर को नेगलेक्ट नहीं कर सकते ना, तो अब आपका ट्रेन पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखना इस बात। पर ट्रेन ने यात्रा करी होती 500 किलोमीटर, तो 500 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में तो ये 100 मीटर नेग्लिजिबल है, नगण्य है, तो अब आप ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो। मैं बात कर रहा हूं पृथ्वी की, आप सूर्य और पृथ्वी की बात कर रहे हो, ये तो सूर्य की चारों ओर पृथ्वी गति कर रही है ना, इस चीज का आप अध्ययन कर रहे हो, तो पृथ्वी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का अर्थ आप समझ गए होंगे शायद, कि जिस चीज की आप बात कर रहे हो, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, पृथ्वी वगैरह वगैरह, कोई भी वस्तु, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट कब होगी, जब उसके द्वारा तय की गई दूरी खुद के साइज से बहुत ज्यादा हो। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, अब देखो वस्तु जब मैं बोलता हूं ना, तो वस्तु का मतलब कुछ भी हो सकता है ना, बस, ट्रक, कार, अर्थ, कोई भी जो मूव कर रहा है, जिसका हमें अध्ययन करना है इस चैप्टर के अंदर, आ रहा है ना बस समझ में। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट आप उसे कब मानोगे, जब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ट्रेवल किया गया डिस्टेंस, अगर खुद के साइज के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, तो आप उस ऑब्जेक्ट को बिंब, मतलब बिंदु वस्तु मान सकते हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो ना। तो आप एडेंड आ रहे हैं, 45 तक लिख लें, देखो सिंपल सिंपल नाम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें स्थिर और प्रकाश की तुलना में कम वेग से गतिशील वस्तुओं का अध्ययन किया जाए, वो यांत्र। दो भागों में क्लासिफाइड किया हमने, स्थैतिकी और गतिकी, जिसमें स्थिर वस्तुओं का अध्ययन करें वो स्थैतिकी, और जिसमें गतिशील वस्तुओं का अध्ययन करें वो गतिकी। अब स्थैतिकी और गतिकी, कोई वस्तु स्थिर है या गतिशील है, वो डिपेंड करता है निर्देश तंत्र पर। एक ट्रेन का एग्जांपल देके बताया मैंने आपको, आप ट्रेन में बैठे हुए हो, ट्रेन चल रही है, तो आपके रेस्पेक्ट में तो ट्रेन स्थिर है, पर बाहर सड़क पर खड़ा हुआ व्यक्ति ट्रेन को देख रहा है तो वो गतिशील है। अब कोई गतिशील अवस्था में है कि स्थिर अवस्था में है, वो डिपेंड करता है निर्देश तंत्र पर, कि आप गति का अध्ययन कहां से कर रहे हो। फिर इसी में एक नाम आया, मैंने कहा बिंदु, बिंदु वस्तु, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, हैंड डाले पॉइंट ऑब्जेक्ट और लिखे
पॉइंट ऑब्जेक्ट हेडिंग डालना है और पॉइंट ऑब्जेक्ट में भेजे कि यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वस्तु के आकार की तुलना में बहुत अधिक हो, तुलना में अधिक हो। अब अधिक का मतलब देखो ऐसे मत समझ जाना, अच्छा जी ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, ट्रेन ने 200 मीटर डिस्टेंस कवर करी, अरे नहीं तो 100 के रेस्पेक्ट में आप यूं समझो बच्चों, सुनो ध्यान से, कि छोटा बच्चा है जिसने अपने पिताजी से पैसे मांगे और उसको बड़ी मुश्किल से 1 या 2 रुपए दिया गया, 2 रुपए उसके पास, अब वो जैसे ही घर से बाहर निकला उसको 1 रुपया पड़ा हुआ और मिल गया। मेरा सुना ध्यान से, एक छोटा बच्चा जो काफी काफी समय से मशक्कत कर रहा था अपने पिताजी से, उसके पिताजी ने उसे 2 रुपए दिए, अब जैसे वो घर से बाहर निकला उसको 1 का नोट पड़ा हुआ मिल गया, तो भैया उस बच्चे की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होगा, ये समझो उसकी तो लाइफ सेट हो गई। अरे 2 रुपए उसके पास थे, 1 रुपया और मिल गया, तो उन 2 रुपयों के सामने आप 1 रुपए को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। पर आपके पास में लाखों रुपए हैं, और लाख छोड़ो हजारों रुपए आपके पास में, 1000 रुपए आपके पास में, और आपको सड़क पर 1 रुपया पड़ा हुआ और मिल जाए, तो उतनी खुशी नहीं होगी जितनी आपके पास 2 रुपए थे तब आपको 1 रुपया मिला था। रुपया तो वो एक ही है ना, पर जब वो 2 रुपयों के सामने मिला तो आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाए, पर वो 1000 या लाख रुपए के सामने आपको 1 रुपया और मिल जाए तो उस चीज से कोई, या 100 रुपए के सामने अगर 1 रुपया और मिल जाए ना तो उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। चीजें इग्नोर कब की जाती है वो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। ट्रेन की खुद की लेंथ 100 मीटर है और ट्रेन ने 200 मीटर 300 मीटर 400 मीटर 500 मीटर चला, तो आप 500 मीटर के रेस्पेक्ट में 100 मीटर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। पर ट्रेन 500 किलोमीटर चल गई, 100 किलोमीटर चल गई, 20 किलोमीटर चल गई, इसके रेस्पेक्ट में आप खुद ट्रेन की लंबाई को इग्नोर कर सकते हो। तो जब लंबाई इग्नोर, आकार इग्नोर करने का समय आ जाए ना, तो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाता है। बड़ी सरल परिभाषा है, वही मैं लिखाना चाह रहा हूं कि यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु ने जितना ट्रेवल किया वो वस्तु के आकार की तुलना में बहुत ज्यादा हो, अधिक हो, तो वस्तु वो बिंदु वस्तु कहते हैं। नाम थोड़ा सुनने में ऐसा लगता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ठीक है ना, बिंदु वस्तु कहते हैं। यहां तक आप तो डेफिनेशन है, नोट करें। निर्देश तंत्र और पॉइंट ऑब्जेक्ट। निर्देश तंत्र जहां से गति का अध्ययन किया जाता है, अलग अलग निर्देश तंत्रों में एक ही वस्तु स्थिर और गतिशील दोनों अवस्थाओं में हो सकते, ध्यान रखना है ना भाई। और बिंदु वस्तु वो जब तय की गई डिस्टेंस को आप इग्नोर कर दो, ठीक है ना भाई। चलो तो अब आपको है ना इतनी 4-5 रखना है सुनने के बाद, या एग्जांपल सुनने के बाद ये तो समझ में आ गया होगा कि स्थैतिक की मतलब स्थिर और गतिकी मतलब गतिशील वस्तुओं का अध्ययन। अब हम गतिकी के प्रकार पढ़ते हैं, सुनना ध्यान से, 2-3 नाम है आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, सुनना। नाम है एकविमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन, सुनना ध्यान से। तो एक एक करके हेडिंग बनाएंगे अपन। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एक विमीय गति, थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखो मैं आपको 4-5 घटनाएं बताऊं, आप समझेंगे। मान लो कि ये आपका कोई निर्देश तंत्र है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष आप गतियों का अवलोकन कर रहे हो,
तो मूल बंधु आपके लिए निर्देश तंत्र हो गया। अब इसमें किसी वस्तु के निर्देशांक हैं एक्स वाई और जेड। मैं एक्स वन वाई वन और जेड वन ले लेता हूं। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है ए पर। कुछ समय बाद आपने देखा ये कहानी थी टी बराबर जीरो पर। टी बराबर जीरो पर ऑब्जेक्ट ए पर है। कुछ समय बाद मान लो कैपिटल टी, कोई भी समय हो गया होगा, एक घंटे बाद, दो घंटे बाद, एक मिनट बाद, भी ऑब्जेक्ट ए पर ही रहता है। आप ऊपर बैठकर देख रहे हो बेटा, बेटा वहां बैठ रहे हो ऊपर, ऊपर बैठे हो, आपने देखा कि यार कोई ऑब्जेक्ट इस जगह पर है, निर्देशांक है एक्स वन वाई वन और जेड वन। फिर आपने कुछ समय बाद देखा, आप लगातार देखते जा रहे हो, आपने पांच मिनट तक देखा और ऑब्जेक्ट की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो ऑब्जेक्ट उन पांच मिनटों के लिए स्थिर अवस्था में है। बहुत सरल सी बात। निर्देश तंत्र में अगर वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो वो वस्तु स्थिर अवस्था में है। और निर्देश तंत्र में समय के सापेक्ष, निर्देश तंत्र समझ में आ रहा है ना, जहां बैठकर आप देख रहे हो, समय के सापेक्ष अगर निर्देशांक बदल रहे हो तो वो गतिशील अवस्था है। एक बात तो अच्छा, गति भी कई प्रकार की है। अगर मान लीजिए कुछ देर बाद आपका पिंड जैसे x अक्ष पर था, मान लो यहां था x1 y1 z1, कुछ देर बाद इसके निर्देशांक हो गए x2 y1 और z1, मतलब केवल कौन सा निर्देशांक बदला, x निर्देशांक बदला, y और z में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये गति फिक्स है। इसका मतलब x दिशा में हुई होगी। इसका नाम है एक विमीय गति। बड़ा सरल है, एक विमीय गति एक दिशा में, और एक दिशा का मतलब कोई एक निर्देशांक बदले। अब वो x निर्देशांक चेंज हो रहा है तो x दिशा में गति हो जाएगी। y चेंज हुआ होता, x कांस्टेंट रहा होता, मान लो x1 y2 और z1, y बदला ना तो ये y दिशा में गति हो गई, और z बदला होता x1 y1 और z2 तो ये z दिशा में गति हो गई। अरे बात समझ में, सुन ध्यान से, एक विमीय गति का अर्थ क्या है? देखो तो नाम से क्लियर है, बोलो इंग्लिश में बोलते हैं वन डायमेंशन मोशन, तो आप वन डी लिख लीजिए। एक विमीय, विमा मतलब दिशाई तरीके से गति, एक दिशा में गति। एक दिशा में गति का अर्थ क्या है साहब? अगर समय के सापेक्ष वस्तु का केवल एक निर्देशांक बदले। अब एक विमीय खुद तीन प्रकार की हो जाए, कहो तो एक्स अक्ष में गति, वाई अक्ष में गति और जेड अक्ष में गति, ठीक है ना? तो आप हेडिंग लिखिए पहले एक विमीय गति। अच्छा सुनो, एक विमीय गति से पहले आप स्थिर और गतिशील वस्तु की अवधारणा दो तीन शब्द लिख लें, है ना? हेडिंग डाल दें आप स्थिर तथा गतिशील वस्तु की अवधारणा। इसका अर्थ क्या है, मैं दो तीन लाइन इसके बारे में लिखा देता हूं, आपको समझाया। स्थिर और गतिशील वस्तु की अवधारणा, है ना? इसके अंदर लिखिए आप, यदि किसी निर्देश तंत्र में, मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, कोई वस्तु गतिशील है कि स्थिर अवस्था में है, ये डिपेंड करता है निर्देश तंत्र पर, आप कहां से ऑब्जेक्ट को एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है ना भैया? तो यदि किसी निर्देश तंत्र में समय के सापेक्ष जो जो समय बीतता जाए ना, यदि किसी निर्देश तंत्र में समय के सापेक्ष वस्तु के निर्देशांक, या ब्रैकेट में आप इस चीज को लिख सकते हो स्थिति, यदि किसी निर्देश तंत्र में समय के सापेक्ष, जैसे आप हो ना, आप बैठे हो और आपकी टेबल रखी हुई है, तो पिछले 30-40 मिनट से आप मान लो आप ना आप ले ना आपकी टेबल ले ली,
तो आपके रेस्पेक्ट में टेबल के निर्देशांक नहीं बदले, या ऐसे को आपके रेस्पेक्ट में टेबल की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो यदि किसी निर्देश तंत्र में समय के सापेक्ष वस्तु के निर्देशांक या स्थिति अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे बदले नहीं, तो वस्तु उस निर्देश तंत्र में स्थिर अवस्था में कहलाती है, स्थिर अवस्था में कहलाती है। यदि किसी निर्देश तंत्र में समय के सापेक्ष वस्तु के निर्देशांक या स्थिति कैसे हो, अपरिवर्तित रहे, तो वस्तु कौन सी अवस्था में कहलाती है, स्थिर अवस्था में कहलाती है। एक एरो और लिख दो कि यदि किसी निर्देश तंत्र में समय के सापेक्ष वस्तु के निर्देशांक या स्थिति परिवर्तित हो तो वस्तु गतिशील अवस्था में कहलाती है। क्लियर है भैया? सीधी सी बात है, अगर निर्देश तंत्र में वस्तु की स्थिति बदल नहीं रही है समय के साथ, तो वो स्थिर अवस्था में, और बदल रही है तो फिर वो गतिशील अवस्था में है। नोट करें आप जल्दी से, ये है गति की अवधारणा, है ना? अगर एक निर्देश तंत्र में ना बदल रही, दूसरे में बदल रही है, तो दूसरे के सापेक्ष फिर वो वस्तु गतिशील कहलाएगी। पहले में स्थिर है और दूसरे में वो गतिशील हो जाएगी। मतलब गति का मतलब निर्देशांकों में परिवर्तन या स्थिति में परिवर्तन। नोट कर लीजिए इसको। आप सुनो, अब बात गति के आगे, गति कितने प्रकार की है उसको देख ले। मैंने तीन प्रकार के, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, विमा के आधार पर, मतलब दिशाओं के आधार पर कई प्रकार से गति का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं अपन, है ना? तो अब आप पहले डाल दीजिए, एक एक करके डालना, एक विमीय गति या ऐसे बात तो विमा के आधार पर गति का वर्गीकरण ऐसे आप गति को क्लासिफाइड कर रहे हो विमा के आधार पर, है ना? मतलब दिशा के आधार। तो विमा के आधार पर गतियां तीन प्रकार की आप समझ रहे हैं। पहला नाम तो पढ़ेंगे अपन, एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन। फिर अपन पढ़ेंगे द्वि विमीय गति, टू डायमेंशनल मोशन। और फिर अपन पढ़ेंगे त्रि विमीय गति, थ्री डायमेंशनल मोशन। डिफरेंस क्या है तीनों? एक विमीय गति एक फिक्स दिशा में गति, गति का मतलब निर्देशांक बदलेंगे, निर्देश तंत्र में निर्देशांक या स्थिति बदलेगी। अब वो निर्देशांक या स्थिति में परिवर्तन एक फिक्स दिशा में हो, एक ही दिशा में, या ऐसे कहो कि केवल एक निर्देशांक परिवर्तित हो, केवल एक
निर्देशांक परिवर्तित हो। तो वो जो गति है वो है एक विमीय गति। कैसे साहब? सीधी सड़क है, कोई भी दिशा मान लो, उस पर कोई साधन चल रहा है, बिल्कुल सड़क सीधी होनी चाहिए, वो एक विमीय गति है। आप सुनो, ये चौक में गिरा रहा हूं, जब चौक को आप ऊपर से नीचे गिराते हो तो सिर्फ हाइट ही तो चेंज हो रही है, चौक टेढ़ा थोड़ी आ रहा है। ऐसे नहीं फेंका, स्वतंत्रता पूर्वक आप किसी ऑब्जेक्ट को गिरा दीजिए, इसकी जो गति होगी भाई केवल यही निर्देशांक चेंज हो रहा है, एक विमीय गति है। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही आपको? ना तो एक विमीय नाम से क्लियर है, एक दिशा में गति। दूसरा नाम द्विविमीय गति। अगर गति के दौरान दो निर्देशांक बदल जाए, अच्छा इसको तीन प्रकार से पढ़ सकते हैं, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर और जेड अक्ष पर, वन डायमेंशनल मोशन। बात करें द्विविमीय गति की, अगर गति के दौरान वस्तु के कोई दो निर्देशांक बदल जाए, एक निर्देशांक बदले या गति एक दिशा में हो तो एक विमीय, दो निर्देशांक बदले, दो निर्देशांक अगर चेंज हो जाए तो गति कौन सी साहब? द्विविमीय गति। और दो निर्देशांक याद करो तल का निर्माण करते हैं, तो आप इसको समतल में गति भी कह सकते हैं। कैसे कैसे? जैसे एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, मान लो किसी वस्तु का एक्स निर्देशांक बदला और वाई बदला, तो इसे कहेंगे एक्स वाई तल में गति, एक्स वाई तल। ऐसे ही वाई और जेड चेंज हुए तो वाई जेड तल, ऐसे ही एक्स और जेड चेंज हुए तो एक्स जेड तल। ये सब कौन सी गति है? द्विविमीय गति। सड़क पर टेढ़ी मेढ़ी गति, आपने कोई बंदूक से गोली चलाई तो बंदूक की गोली की गति, देखो बंदूक की गोली कैसे आती है, मतलब ऊंचाई नीचाई भी चेंज होती है और वो इस डिस्टेंस को भी कवर करती है। भाला फेंक, इंडिया को गोल्ड मिला है भाई नीरज चोपड़ा द्वारा, तो जब भाला फेंका जाता है तो भाला फेंकने में देखो पहले ऊंचाई बढ़ती है फिर ऊंचाई घटती है, तो एक तो ऊंचाई चेंज हो रही है और भाला चूंकि आगे जा रहा है तो ये डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, द्विविमीय गति का एग्जाम्पल है। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही आपको? ना तो त्रिविमीय गति किसे कहेंगे फिर साहब? जिसमें तीनों निर्देशांक बदल जाए। बड़ा आसान है इसका मतलब, एक विमीय गति जिसमें वस्तु का एक निर्देशांक बदले, द्विविमीय गति जिसमें वस्तु के दो निर्देशांक परिवर्तित हों, और त्रिविमीय गति तीनों निर्देशांक। कोई एग्जाम्पल है दिमाग में? वायुयान की गति, उड़ते हुए पक्षी की गति, जब पक्षी उड़ता है तो ऊपर नीचे दाएं बाएं हर एक डायरेक्शन चेंज होती है, त्रिविमीय गति का एग्जाम्पल है। क्लियर भाई यहां तक? ना तो ये गतियां अपन ने विमा के आधार पर बांटी। कितना टाइम हुआ है? वो टाइम देखते हैं। हाँ ठीक है ना, सुनो नोट इनको कल करेंगे, नोट इनको कल करेंगे। क्लियर है? तो आज अपन ने यांत्र की पढ़ी, स्थिति की पढ़ी, गति की पढ़ी, निर्देश तंत्र पढ़ा, बिंदु पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ा अपन ने, और गति और स्थिर वस्तु के बीच अंतर समझा। एक ही वस्तु एक निर्देश तंत्र से गतिशील हो सकती है, दूसरे निर्देश तंत्र से स्थिर हो सकती है। और फिर विमा के आधार पर हमने गतियों का वर्गीकरण तीन भागों में किया, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। क्लियर है? तो बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे। लगातार आपके पास एक घंटे क्लास आती रहेगी, फिक्स टाइम जो अपना टाइम है 7:30 का, 7:30 बजे अपनी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। इसको कल नोट कराएंगे ना, अभी इसको रहने देना।